स्वागत है आपका अपने चैनल रामबाण क्लासेज में और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन बात करने वाले हैं राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ था, कब हुआ? 9 जुलाई 2022 को। तो इस पेपर के बारे में अपन ने विश्लेषण पहले भी किया था, कर इस पेपर में संभावित कटौत कितनी रह सकती है ये मैंने आपको बताया भी था, लेकिन आज अपन बात करने वाले हैं ये जो ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ था 9 जुलाई 2022 को, इस पेपर को लेकर जो अपने समाचार पत्र है या फिर सोशल मीडिया है इन पर ऐसा बताया गया है कि ये जो पेपर था ये पेपर लीक हो गया। कैसे लीक कैसे हुआ? तो जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, कोटा में जो मुन्ना भाई है वह सवाई माधोपुर के किसी कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़े गए। उसके अलावा उदयपुर की भी एक स्कूल है जिसमें जो पेपरों का बंडल था वह कटा हुआ था। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो एक ऐप के बारे में भी बताया गया है सोशल मीडिया पर, एक शायद कौन सी कोचिंग संस्था है इसके बारे में तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन उस कोचिंग संस्था के द्वारा या उस ऐप पर क्या हुआ, 160 जो कुल प्रश्न थे उन 160 कुल प्रश्नों में से जो लगभग 60 प्रश्न उस ऐप के द्वारा हूबहू ऐसे ही अपना ये जो राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी का जो पेपर है इसमें छपे हुए थे। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है इसकी जो जांच है वह करवानी चाहिए और ये जो मामला है पेपर लीक का ये दोबारा, कहने का मतलब इस पर स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन से काम लेना चाहिए और जो गरीब विद्यार्थी है बेचारे 4-5 साल से बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ही धोखा नहीं करना चाहिए और गवर्नमेंट को ऐसे जो डमी कैंडिडेट है या जो पेपर को लीक करते हैं या जो पेपर को लीक करवाते हैं या पेपर जो खरीदता है या फिर पेपर को जो बेचता है उनके साथ मतलब सख्ती से पेश आना चाहिए और उनको उचित कार्रवाई के द्वारा दंड देना चाहिए, तभी जाकर अपना ये जो राजस्थान है इसमें भर्तियां सुचारू तरीके से हो पाएगी। अभी आपने देखा होगा रिट के बारे में, रिट में क्या हुआ, रिट में भी वही पेपर धांधली। उसके अलावा पटवार रिट, उसके अलावा बात करें अपन पटवार की, पटवार तो रीट में भी वही धांधली देखने को मिली, पटवार में भी वही धांधली। उसके अलावा ये तीसरे नंबर पे जो एग्जाम था वीडियो का, जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का ये जो एग्जाम था इसमें भी वही धांधली देखने को मिली। तो अशोक गहलोत जी को मतलब ये जो भी पेपर लीक करवाते हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और एक कमेटी का गठन करना चाहिए या फिर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे अपना जो राज्य है अपना जो स्टेट है इसकी कहने का मतलब जो स्टेट की जो पढ़ाई लिखाई है वह ऐसे कारनामों से प्रभावित ना हो और सभी को समानता के या गवर्नमेंट क्षेत्र में जाने के समान अवसर उपलब्ध हो। तो ये था वीडियो को लेकर जो पेपर लीक हुआ है इनके बारे में छोटा सा संवाद। इसके पश्चात अपनी जो अगली क्लास होगी वह अगली क्लास होगी हिंदी व्याकरण की।
हिंदी व्याकरण की। और इस हिंदी व्याकरण में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या संधि। संधि ये जो हिंदी व्याकरण की जो ये संधि वाली क्लास है ये आपको शाम को उपलब्ध हो जाएगी, लगभग 6:30 के आसपास अपन इस संधि वाली क्लास को लेंगे और दिन के 12 बजे लगभग आपको राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर को पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा शाम वाली क्लास में अपन हिंदी व्याकरण की चर्चा करेंगे और सुबह वाली क्लास में अपन बात करेंगे राजस्थान की जो ज्योग्राफी है इसके बारे में, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और फालतू की अफवाहों पर ध्यान न दें। आज की क्लास में अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।